शायद मुझसे बहुत कोई गलती हो गई होगी। तो उन्होंने कहा, बेटा आपसे एक बात करनी थी कि जब आप बहस कर रहे थे आप हाथ बड़े हिला रहे थे, दैट्स नेवर डन। अब देखिए ना, शफकत पिदरी सीनियर सिखाते थे कि जी बहस कर रहे हैं तो योर हैंड शुड बी ऑन द रोस्ट्रम, बहुत ज़्यादा तकरीरी मुकाबला नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यू शुड बी वेरी डिग्निफाइड इन योर पॉस्चर एंड यू शुड नॉट बी मूविंग अराउंड, यू शुड नॉट बी रेजिंग योर लिम्स एंड इट इज़ ऑल यूजलेस। यू विल विन केसेस ओनली इफ यू हैव अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज नथिंग विल हेल्प। यू हैव टू नो दिस एज यंग लॉयर्स एंड एज अ पर्सन हु हैज स्पेंट अ लाइफ टाइम इन दिस प्रोफेशन, आई थिंक इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन माई पार्ट टू शेयर दीज वेरी स्मॉल थिंग्स विच मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज फार एज द इमेज ऑफ द प्रोफेशन इज कंसर्न। अब क्या कहूँ इस मौके पर कि अगर कोई वकील साहब उठा के कुर्सी सर पे मार दें जज के, या जज साहब उठा के पेपर वेट किसी वकील के सर पे मार दें, तो हम किधर पहुंच गए हैं? इट्स अबाउट टाइम दैट वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस फॉर द सेक ऑफ आवर ओन प्रोफेशन व्हिच इज सच अ डिग्निफाइड प्रोफेशन। हम सब ने इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने आप पे गौर करें कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ सीनियर वकला का कोई डेलीगेशन आया हुआ था तो पेशावर से, तो मैंने उन्हें कहा कि एक तहरीक बहाली अदलिया शुरू हुई थी जिसके नतीजे में अदलिया आज़ाद हो गई, बड़ी इज्जत मिली, अब एक और तहरीक शुरू करनी। उन्होंने कहा, जी वो कौन सी तहरीक? मैंने कहा, तहरीक बहाली इज्जत वकला, कि वकला बड़ी तेज़ी से अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। जितना मुअज्ज़ज़ पेशा है वो सिर्फ इसलिए गंवाई जा रही है कि चंद कोई एक वाक्या कहीं पे हो जाता है, उसको आजकल मीडिया है, हर चीज़ सारे मुल्क में बल्कि दुनिया में फैल जाती है कि ये हो गया है। वो समझते ये हैं कि वकला ही सारे ऐसे, हालांकि नहीं, इसी एक शख्स का फेल सारे प्रोफेशन को एट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन वो गौर करने वाली बात ये है कि उस शख्स ने वो इस नहज पे पहुंचा कैसे, उसने ये फेल किया क्यों कि कोई गुत्थम गुत्था हो जाए। वकील ने तो बहस करनी थी अपनी जबान से, अपने दिमाग से, अब अगर उसने बहस करनी शुरू कर दी अपने हाथों से और अपने टांगों से, तो ये तो प्रॉब्लम है कुछ। और ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम सीनियर्स ने शायद तवज्जो देनी बंद कर दी। तो हम सीनियर्स को, वो सीनियर वकला का ग्रुप था, मैंने कहा कि हम सब पर जिम्मेवारी है, ये जो हमारे आबा अजदाद का प्रोफेशन है, हमें इज्जत इसी प्रोफेशन से मिलती है और मिली है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को भी आगे, उनकी अगली जनरेशन को भी जो इस पेशे से मुंसलिक होंगे, ये इज्जत जारी रहनी चाहिए और बढ़नी चाहिए? तो मैंने कहा, अब शायद वक्त आ गया है कि हमें अपने बिरादरी को खुद समझाना है और बताना है कि ये फेल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये हम सब की इज्जत का मामला है। तो मैंने कहा, तहरीक बहाली इज्जत वकला शुरू करते हैं, अपनी इज्जत बहाल करते हैं अपने कॉन्डक्ट से। तो उन्होंने कहा, जी आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। अब मैं तो जुलूस निकालने से रहा, लेकिन आप सब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। देन When the judge speaks in the court, कोई सवाल पूछते हैं, always listen to that question. ये नहीं कि वो जज हैं और वो बोल रहे हैं तो आप ताज़ीमन खामोश हो जाएं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आप अपना केस तैयार करके गए हैं, आपने 5-6 आर्ग्यूमेंट्स तैयार किए हैं, आप वो आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं, जज खामोशी से सुन रहा है, आपको नहीं पता कि उसके दिल पे, दिमाग पे उसमें कौन सा पॉइंट कितना असर कर रहा है। सो द मोमेंट जज आस्क्स अ क्वेश्चन, ही ओपन्स ए विंडो टू हिज माइंड, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको एक मौका मिल गया है उनका दिमाग रीड करने का कि ये किस बात पर गौर करें, मैं जरा इस तरफ ज्यादा पुश करूं, इस बात में मेरे क्लाइंट के लिए बेहतर पहलू कौन सा निकल सकता है।
So whenever the judge opens his mouth and starts making any comment or asks any question, please be very happy that you have an opportunity to read his mind and then adjust your argument accordingly, and then you can advance the cause of your client. Ek aur baat, baz aukaat judge sahiban aapki argument se muttafiq nahi ho rahe hote. Ye ajeeb waise hamara culture ban gaya hai ki wakeel sahab aate hain judge ko convince karne, lekin court mein hum jo dekhte hain ki judge sahab wakeel sahab ko convince kar rahe hain ki aapka case nahi banta. A counter argument or behas chhedi hoti hai ki case nahi banta aapka. You don't have to say that. The judge doesn't have to say that. Sun le unki baat aur faisla likha. Lekin shayad judge sahab apne aap ko convince kar rahe hote. But what I want to tell you is ki farz kare judge sahab aapke view se muttafiq nahi ho ke koi aur baat kar rahe hain, aapke argument ke khilaf koi baat kar rahe hain, to iske do responses hote hain. Hamare profession mein bahut bade bade naam rahe hain wakala mein. आपने सुना होगा एक बरोही साहब का नाम. मैंने उनको प्रैक्टिस करते भी देखा उनकी आखिरी उम्र में. बहुत सारे नाम हैं. दूसरा नाम मैं लूँगा मिस्टर एस एम जफर का. अब ये दो टावरिंग पर्सनालिटीज़ इन द लीगल प्रोफेशन जो मैं आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इनकी दो मुख्तलिफ अप्रोचेस थी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर. अगर जज साहब बरोही साहब की बात से इतफाक नहीं कर रहे और वो कहते नहीं ये इस तरह है, तो बरोही साहब बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी थे, वो एब्रप्टली जज साहब को कहते थे नहीं ये गलत है. एसएम जफर साहब एक और लेजेंड है हमारे प्रोफेशन के. वो जब ऐसी सिचुएशन फेस करते थे, अब देखें वो किस तरह कहते थे. उनका अंदाज ये कि यस योर लॉर्डशिप इज करेक्ट, बट देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग. देखिए ना, ये कहना कि आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चीज से इसको देखने के बहुत से अंदाज हैं, चलो एक और अंदाज से देखते हैं. रादर देन सेइंग कन्फ्रंटिंग द जज दैट ही इज रॉन्ग, आप बड़े अदब के साथ एहतराम के साथ उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ एक अच्छे मुअद्दबाना तरीके से ला सकते. So this is again something to be learnt, and this you will learn not in a classroom but in a courtroom. So jab aap jaye, isliye main keh raha tha ki 5 minute pehle baith jaye, jo baki wakala behas kar rahe honge, jo senior wakala behas kar rahe honge, aap unse seekh rahe honge, baithe baithe seekh rahe honge. Ek notebook saath rakhein, kisi bhi point ke upar koi ruling cite ho rahi hai wo aap note kar le, apne digest mein jaake likhte hain. Over a period of time, your digest will keep on improving, and you will have a treasure of rulings on different issues over a period of time. मुझे याद पड़ता है कि लिंकन्स इन में जब बार कर रहा था मैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे. इस हद तक ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप जब बहस कर रहे हैं तो पतलून की जेब में हाथ नहीं डालना. लोग खड़े हो जाते हैं ना यूँ, नहीं उन्होंने कहा नहीं ये नहीं कर सकते. यू हैव टू बी वेरी वेरी सोबर एंड डिग्निफाइड. दिस शोज दैट यू आर वेरी रिलैक्स्ड. वो कोर्ट रूम का जो माहौल है. इसी तरह हमें बताया गया कि बाज़ोकात जज बेचारे बूढ़े भी होते हैं, थके भी होते हैं, कई दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स बहुत बोरिंग भी होती हैं, कई जज सो जाते हैं. तो उन्होंने हमें ये भी ट्रेनिंग दी कि अगर जज आपकी बात सुनते सुनते सो गया किसी भी वजह से, फिर क्या करना है? तो आप सोचें कि अंग्रेज़ ने क्या तरीका ईजाद किया इसका. ये नहीं कि आप कोई जजोड़ दें या ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर दें. उन्होंने कहा कि आपके हाथ में एक किताब होगी ना कोई, बस ऐसे ही इत्तफाकन उसको ऐसे छोड़ दें. वो धमक जो छोटी सी होगी ना, उसी से जज उठ जाएगा. और कभी ये इम्प्रेशन ना दें कि जज साहब आप तो सो गए थे. वो जज एम्बेरस्ड फील करेगा कि देखिए मैं सो गया था. आप कभी एम्बेरस ना करें, आप अपनी आर्गुमेंट जारी रखें, और जो पॉइंट आप समझते हैं जज साहब नहीं सुन सके, ऐसे तरीके से वापस उस पॉइंट पे आके वो भी कह जाए. ये कभी एम्बेरस ना करें कोर्ट, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू एम्बेरस ए माइंड दैट यू आर ट्राइंग टू सीड्यूस.
आप किसी माइंड जीतने के लिए आए हैं ना, उस माइंड को आप कैसे जीत सकेंगे अगर आप उस माइंड को इनॉय कर देंगे? तो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की खातिर ये सारी चीज़ें, इतना इज्जत और इत्राम का ये रिश्ता था, और हमें ये इस पर वापस आना है क्योंकि इसी में भलाई है। अदरवाइज वो भलाई नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी है। और आई एम श्योर हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं अब, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो गया है कि वक्त तेज़ी से निकलता जा रहा है। हमने अपने यंग एंट्रेंस इनटू द प्रोफेशन को सही तरह ट्रेन करना है ताकि वो अदब आदाब, इज़्ज़त व एहतराम, एक दूसरे का एहतराम, ये इसी तरह जारी रहे जिस तरह के हमेशा से होता था। इन द एंड मैं आपको बताऊं कि जब हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैं मुकम्मल कर रहा था तालीम, हमारे वक्त में लॉर्ड डेनिंग इंग्लैंड के बहुत बहुत बड़ा नाम था, कोर्ट ऑफ अपील के हेड थे, तो हमने उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया कि आप आके लेक्चर दें लॉ स्टूडेंट्स को। वो आए, उन्होंने तकरीर की, हमने 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन उनको दी, बैठते ही नहीं थे हम, बस इतना मज़ा आया वो तालियां बजा बजा के। वो बेचारे मन्नतें कर रहे थे बैठ जाए बैठ जाए, हमने यू डिज़र्व मोर। उन्होंने तीन बातें कही जो मैं आज आप तक पहुंचा देता हूं ताकि मेरा कर्ज उतर जाए कि हमने जो बड़ों से सीखा वो आज आपको पहुँचा देते। ही सेड इन ऑर्डर टू बी अ गुड लॉयर यू हैव टू हैव कमांड ओवर 3 थिंग्स। In order to be a good lawyer, you have to have command over 3 things. Number 1, history. Number 2, mathematics. Number 3, literature. तो हमने कहा कानून लॉ किधर गया? उन्होंने कहा you didn't hear me properly. I said in order to be a good lawyer. So I presume that you are already a lawyer and you know the law. But you want to be a better lawyer. So in order to be a better lawyer, you have to have command over 3 things: history, mathematics, and literature. हम हक्का बक्का, हम यहाँ किताबें कानून की पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं। ये जज साहब बुजुर्ग आ गए, वो कहते हैं जी आप हिस्ट्री पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, आप मैथमेटिक्स पढ़ें। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, इन ऑर्डर टू बी अ बेटर लॉयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ यू आर डीलिंग विद लॉ, बट एवरी लॉ is made in a particular historical setting. Aaj terrorism ka khuda na khasta daur hai, Allah taala karega inshaallah kuch arse mein khatam ho jayega, lekin aaj ke 20 saal baad jab ye is anti terrorism act ki provisions ka koi case aap kar rahe honge to aap kahenge ye kaisa law tha, itna stringent law. Aajkal narcotics ka zamana hai, aap kehte hain ji kamal hai, narcotics mein section 51 kehta hai isme bail grant hi nahi hogi, कोई नैब का या अकाउंटेबिलिटी का कानून है उसमें बेल की प्रोविजन ही नहीं है। आज तो हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, बाद में जब आप कोई केस करेंगे कहेंगे कैसा ये स्ट्रिंजेंट लॉ था। सो यू कैन नॉट आर्गू ए केस अबाउट ए लॉ अनलेस यू नो इन विच हिस्टोरिकल सेटिंग दिस लॉ वॉज मेड। आप उस लॉ को अप्रिशिएट ही तब कर सकेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बना था, उसमें हिस्टोरिकली कौन से दौर में बना था, और उस दौर में क्या चीज़ हो रही थी माशरे में कि ये कानून आया था। सो इन ऑर्डर टू बी अ बेटर लॉयर यू हैव टू हैव कमांड ओवर हिस्ट्री। हर दौर में पार्लियामेंट अपने अपने लॉज बनाते हैं, वो उस दौर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकेंड, उन्होंने कहा जी आपको कानून भी आता है, आपको हिस्ट्री भी समझ आ गई कि किस कानून ये किस पैराए में किस किस हालात में ये बनाया गया था, लेकिन अब आपने कुछ आर्ग्यूमेंट तैयार करनी है। इफ़ योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट मैथमेटिकली प्रिसाइज इट विल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अगर दो जमा दो चार होंगे तो माने जाएंगे, अगर वो 3 हुए या 5 हुए वो नहीं माने जा सकते। So whatever the argument that you develop, you know the law, you know the historical setting of the law, and now you are preparing for an argument, it has to be mathematically precise. खुद आप अपने को argument पेश करें अपनी वाली कि अगर मैं जज हूँ तो ये मान लूँगा। It has to be reasonable, it has to be
something which is acceptable. And it will be acceptable only if it is mathematically precise. दूसरी बात होगी. तीसरी बात literature. उन्होंने कहा आपको कानून भी आ गया है, आपको historical setting भी पता चल गई है, एक argument भी आपने mathematically precise तैयार कर लिया है. But this argument is still in your mind. Nobody knows about this argument. It is in your mind. And in the court of law, you have to transfer this argument from one mind to the other mind. Now, what is the medium through which you transfer knowledge or anything? Is the words. Alfaz ke zariye aap bayan karenge. Zabardast argument aapke zehen mein hai. Lekin aapne kisi aur mind tak pahunchane ke liye alfaz ka sahara lena hai. Aur alfaz aap sahi chun nahi sakte jab tak aapko literature par se shagaf nahi hoga ya abur nahi hoga. So this is that's why we gave him a standing ovation for 10 minutes and baithe nahi. Aur ye achhi baatein hain, humne apne badon se seekhi hain, aap tak pahuncha di hain. Best of luck. Thank you very much. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा तकरीब से मुखातिब थे, जिन्होंने बात की कि कानून औरतें बहुत मुकद्दस पेशा है. उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मुकद्दस पेशा क्या होगा कि हम दूसरों के हुकूक की जंग लड़ते हैं.